हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, खुश रहिए हमेशा। आई एम माई सेल्फ जेवीएन पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, विवेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस वेज फ्लेक्सिबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीगूज वेज कट थ्योरी। ये पीगूज वेज कट थ्योरी क्यों कहा है इसको, क्योंकि पीगू ने इसको डेवलप किया था और इसमें एम्प्लॉयमेंट की कट वेजेस को थोड़ा कम करने की कोशिश की गई है ना। वेजेस को कट करेंगे तब एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आएगा। द क्लासिकल क्लासिस्टिक हैव एडवोकेट द मनी वेज कट पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर एक वेजे इन्होंने कहा है, जो एक क्लासिस्टिक इकोनॉमिक्स्ट है, उन्होंने कहा है कि अगर वेज मनी है, जो वेजेज है, उसको अगर कट पॉलिसी अगर अपना अडॉप्ट की जाए तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। द क्लासिकल इकोनॉमिक्स्ट बिलीव दैट इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इफ इट एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी वॉज इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिज्ड वेज स्ट्रक्चर इट फॉर वेज इफ वेजेज आर लोअर सफिशियंटली वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वुड डिसअपियर। देखो, से ने कहा था हर चीज़ें फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि नेचर सीजन वाइज और थोड़ा नेचर के अकॉर्डिंग थोड़ा से वो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो ये पीगू कह रहे हैं कि अगर वेजेस को इतना नीचे रखे और नीचे रखे और सफिशियंटली रखे कि उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो जो हमारी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी, डिसअपियर होगी, हो जाएगी, छुप जाएगी वो। इट इज़ अज्यूम दैट द सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम ऑफ वेज rates would push the economy towards full economy employment stage। जो वेजेज का है, जो वेज का जो एडजस्टिंग सिस्टम होता है, सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम, तो जो सिस्टम होगा वो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की जो स्टेज है उसको बनाने में हमें हेल्प करेगा। कैसे? वेजेज अगर ज़्यादा है तो वो क्यों ज़्यादा क्यों दी जाएगी? स्किल पर्सन वगैरह को तो ज़्यादा दी जाएगी, अनस्किल पर्सन को कैसे ज़्यादा वेजेज दी जाएगी? तो वेजेज है, वेजेज में चेंजेज ऊपर, पहले वेजेज जब इसमें ग्राफ होगा, इसका डायग्राम होगा, तो उसके ऊपर फिगर होगा, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे तो उसको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो वेजेज में चेंजेज होंगे तो अगर प्राइस कम हो जाएगी तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी अपने पास, मजदूर बड़े कितने ले लो, ज़्यादा हो जाएगी तो अपने पास सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, फिर ये बात है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके। द इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द इंटरफेरेंस टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट मैकेनिज्म इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अनैच्छिक बेरोजगारी होती है, ठीक है, वो मार्केट में इंटरफ्रेंस फ्री मार्केट में जो मैकेनिज्म होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, मार्केट मैकेनिज्म की वजह से ही होता है, बाकी कोई रीजन नहीं होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का। केवल मार्केट मैकेनिज्म की वजह से ही तो रोज होता है इंटरफ्रेंस होता है उसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। मार्केट इंटरफ्रेंस जो होता है, मार्केट मैकेनिज्म, उसकी वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। नाउ सच इंटरफेरेंस इज द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग टू ट्रेड यूनियंस टू पुश वेजेस और गवर्नमेंटल इंटरवेंशंस थ्रू पासिंग ऑफ लॉ ऑफ मिनिमम वेजेस। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में ट्रेड यूनियंस होंगे और गवर्नमेंट ने जो कुछ वो बनाए हैं, उनके जो वेजेज का जो लॉ बनाया है, लॉ मिनिमम वेजेज, उसके अकॉर्डिंग वेजेस को अब रख दिया गया है इंटरफेरेंस। इन लोगों ने जब कलेक्टिव बार्गेनिंग हुई है ट्रेड यूनियंस की वजह से और लॉ ऑफ मिनिमम वेजेस की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यूँ कहा है इन्होंने। जो इंटरफेरेंस थे मार्केट में, मार्केट मैकेनिज्म में,
तो ये इंटरफ्रेंसेस थे, इनके रिजल्ट ये होते हैं। इनके रिजल्ट की वजह से जो रिजल्ट था मार्केट मैकेनिज्म में जो इंटरफ्रेंस होते थे, इनका रिजल्ट था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गई, सरकार ने मिनिमम लॉ ऑफ वेजेज मिनिमम वेजेस निकाल दिया। इस तरीके से दिस डिस्टर्ब द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मार्केट मैकेनिज्म इन डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम वेज रेट्स विच क्लियर ऑफ द लेबर मार्केट। जो ये लॉ ऑफ मिनिमम वेजेज है और जो ट्रेड यूनियंस बन गई है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू, वो वेजेज डिसाइड करते हैं, तो ये मार्केट में डिस्टर्ब करते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग के मार्केट मैकेनिज्म के जो स्मूथ फंक्शनिंग होती है उसमें डिस्टर्ब करते हैं। और इस डिस्टर्ब की वजह से जो इक्विलिब्रियम वेजेज रेट होती है वो डिटरमाइन नहीं हो पाती है सही से, डिस्टर्ब करते हैं डिटरमाइनिंग करने में ये। तो आप एक डायग्राम देखेंगे, इसमें डायग्राम दे रखा है, देखो एम्प्लॉयमेंट है एस एक्सिस पे और वेजेज की जो रेट है वो वाई एक्सिस पे है। तो डब्ल्यू पी जो प्राइस है वेजेज की, तो उस पर और तो उस पर डिमांड एम्प्लॉयमेंट भी है और क्या नाम है वो वेजेज है, और जो उसकी एम्प्लॉयमेंट है वो इक्वल है, दोनों की जो डिमांड और सप्लाई है वो दोनों इक्वल है। जैसे ही अगर थोड़ी सी वेजेज रेट बढ़ा दी जाएगी, थोड़ी सी वेजेज रेट बढ़ाई जाएगी, तो जो एम्प्लॉयमेंट की जो सप्लाई होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसकी डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पैदा करते हैं। देखो अगर वेजेज रेट अगर पहले जब इक्वल रखी सबके लिए, सबके लिए समान है, तो एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट होगा मार्केट में, मीन्स डिमांड, और जितनी से डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई ही होगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर प्राइस थोड़ी सी वेजेज प्राइस अगर थोड़ी सी हमने बढ़ाई, थोड़ा भी उसमें चेंजेस किए, तो उसकी डिमांड जो एम्प्लॉयमेंट जो लेबर की जो जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी और उसकी लेबर की जो सप्लाई होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे वेजेज रेट अगर थोड़ी कम करेंगे तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी, तो एक्सेस डिमांड होगी। अगर इसमें देखो डब्ल्यू पी दे रखा है, डब्ल्यू पी बढ़ा रखा है, नीचे ही नहीं कर रखा, लेकिन मैं नीचे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। प्राइस जैसे ही अगर कम होगी, तो प्राइस जैसे ही थोड़ी कम होगी, मैं प्राइस कम होने वाला भी आपको इसमें ऐड कर दूंगा एक, तो आप हिंदी नोट्स भी देख लेगा उसमें, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस थोड़ी और कम होगी, तो मार्केट में सप्लाई जो एम्प्लॉयर की जो सॉरी लेबर की जो डिमांड होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। कम प्राइस पे लेबर मिल रहा है भाई, तो कम डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो उस टाइम सप्लाई वो लेबर काम ही नहीं करना चाहेगा कम रेट पे, तो ये भी जो ये है तो अनएम्प्लॉयमेंट का काम होता है। तो ये इसमें एक्सेस डिमांड होगी, जो लेबर है वो एक्सेस डिमांड हो जाएगी उसकी, क्योंकि प्राइस जो लेबर की जो वेजेस रेट है वो कम हो गई है, इस वजह से ये तीन चीज़ें हो गई। एक्सप्लेनेशन और करूँ मैं, ऑन ओ वाई एक्स एक्सिस वेजेज रेट इज टेकन, एंड ऑन एक्सिस रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टेकन। एस इज द लेबर सप्लाई कर्व एंड डी इज द डिमांड कर्व ऑफ लेबर इन द इकोनॉमी। जो एस और डी है डिमांड कर्व सप्लाई कर्व है। इफ द वेजेज रेट इज डब्ल्यू पी वन द एम टी, देखो एम टी इज द अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जब डब्ल्यू पी वन जब मार्केट में वेजेज रेट थी, तो मार्केट में डिमांड थी कम और सप्लाई थी ज़्यादा, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन थी वो। टू रिमूव दिस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पी गू सजेस्ट दैट द वेज रेट शुड बी रिड्यूस टू WP2। जैसे प्राइस थोड़ी कम की जो जैसे प्राइस कम करेंगे अपन वेजेज रेट की, रेट बेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन ओ एन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मेंटेन। देयर आर द वेजेज कट थ्योरी ऑफ पी यू कैन हेल्प इन एलिमिनेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ये पीगू की थ्योरी। प्राइस को अगर प्राइस मार्केट में वेज रेट ज़्यादा है, तो सप्लाई ज़्यादा होगी उस टाइम और डिमांड रहेगी कम, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी। जैसे ही प्राइस को थोड़ा कम किया जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद भी अगर और इसके बाद में अगर थोड़ा प्राइस में थोड़ा और कम करेंगे हम,
तो थोड़े जैसे ही वो थोड़ी प्राइस जैसे ही कम की, WP3 कर देते हैं, ठीक है। W है इसमें, मैं जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें W है, W1 होगा, W0 होगा। तो W0 जैसे ही प्राइस कम करेंगे तो मार्केट में सप्लाई हो जाएगी कम और डिमांड बढ़ जाएगी। देखो सी और डी नंबर पे देखेंगे आपको, सी नंबर पे तो क्या है, जो सप्लाई है लेबर की वो कम हो गई है, डिमांड बढ़ चुकी है। कम लेबर कम प्राइस पे तो हर कोई लेबर लगाना चाहेगा, हर कोई काम करवाना चाहेगा, इस वजह से इसकी जो डिमांड होगी जो बढ़ जाएगी और सप्लाई हो जाएगी कम। तो ये भी एक्सेस डिमांड का काम है, वो एक्सेस सप्लाई थी या एक्सेस डिमांड होगी, ठीक है। तो ये बात थी अपनी, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम किया पीगू ने उसकी। इसके क्रिटिसिज्म की बात करें, अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कहीं भी नहीं है, तो ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। अनड्यू इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड, ये शॉर्ट टर्म पीरियड की बात की इन्होंने, लॉन्ग टर्म पीरियड की कोई चर्चा नहीं की इन्होंने। किन्स डेनियल्स ऑफ सेल लॉ ऑफ मार्केट, अटैक ऑफ मनी वेजेस कट पॉलिसी, मनी जो वेजेस पॉलिसी है उसको कट कर दिया जाए, अटैक कर दिया उस पर। किन्स अटैक ऑन इंटरेस्ट रेट टू बी स्ट्रेटजी वेरिएबल एंड किन्स अटैक ऑन लेजिस्फेयर पॉलिसी, लेजिस्फेयर पॉलिसी भी नहीं है, स्ट्रेटजी जो वेरिएबल है वो भी नहीं है, वेजेस कट पॉलिसी वो मैं अपने सूटेबल नहीं है मार्केट के अकॉर्डिंग, से का जो लॉ है मार्केट में वो किन्स ने उसकी आलोचना की है, तो ये भी उसमें ही आता है। तो इसी तरीके से इन लॉन्ग पीरियड को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी इन लोगों ने, और फुल एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस है वो भी इन्होंने रियलिस्टिक नहीं है वो। तो ये इसके अजम्पशन थे। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।